हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। मैं हूँ धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रेवल है। दोस्तों, रेलवे में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होते हैं RPF के नाम से, जिनको आप जानते होंगे, और स्टेशन पे मुस्तैद रहते हैं, अपने ड्यूटी को करते हैं। आपने अक्सर कई बार देखा होगा लोगों की जान बचाते हुए, उनको हीरो बनते हुए, CCTV में कभी कभी कैद हो जाते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा हुआ है जो वो CCTV में कैद नहीं हो पाए हैं, और वो अक्सर हर दिन ऐसा काम करते हैं जो कुछ चीज़ें कैप्चर हो जाती है, कुछ नहीं हो पाती है। मैं आपको आज ऐसे एक शख्स की ड्यूटी दिखाने वाला हूँ, ट्रेन में कितना मुस्तैदी से वो अपना ड्यूटी करते हैं। हर एक कंपार्टमेंट में जाते अप डाउन करते रहते हैं, ताकि कोई चोर उचक्के अगर बैठे हो तो वो पहले देख के इनको डर जाए, क्योंकि आपको पता ही है अगर लुक से ही पकड़ लेते हैं कि ये विदाउट टिकट वाला है और ये चोर उचक्के है। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए ये अप डाउन लगे रहते हैं, और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके कंधों पे रहती है। ट्रेन में आप निश्चिंत होकर आप लगेज को सीट के नीचे डाल देते हो और सुरक्षित चलते हो, वो इनकी वजह से चलते हो, क्योंकि ये राउंड पे ट्रिप पे इनको कोच डिवाइड किया जाता है, इनका पूरा ग्रुप रहता है 6-7 लोगों का, और सबको डिवाइड कर दिया जाता है, और ये आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर कुछ आपको इशू होता है, एक बार आप इनको बुलाओ, ये तुरंत हाजिर हो जाते हैं। अभी जैसे आपने देखा इस फुटेज में, एक बुज़ुर्ग, मैं कह सकता हूँ बुज़ुर्ग ही थे वो, अपना बीड़ी पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, तो इन्होंने उनको रोका और बोला ये मत कीजिए ट्रेन में और आप गेट पे खड़े हैं, तो उनसे उनका सिगरेट फेंकवाया। लेकिन बहुत ही अदब से, ऐसा कुछ उनको बुरा भी नहीं लगा, और खुद अपना बीड़ी फेंक दिया, क्योंकि ट्रेन में आपको पता है स्मोकिंग अलाउ नहीं है, आग लग सकती है। और हर एक गेट पे ये देखिए कैसे देखते हुए जा रहे थे, गेट को बंद कर रहे थे, और लोग अगर कोई गेट पे खड़े थे तो उनसे भी रोक रहे थे, आप क्यों खड़े हैं, टिकट क्या है आपका, और सारे गेट को बंद किया, थ्रू आउट इन्होंने चेक किया और वापस अपने जगह पे आए। तो ऐसे लोगों को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जर्नी करते हुए मैंने सोचा ये वीडियो आपको दिखाऊं कि सर कैसे ड्यूटी करते हैं और कितनी मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ता है, और ये बैठते नहीं हैं ट्रेन में, जब तक इनकी ड्यूटी रहती है ये खड़े रहते हैं, चाहे गेट पे हो या राउंड लगाते रहें एक तरफ से उस तरफ से। जब स्टेशन आती है तो ये स्टेशन पे उतरते हैं और आगे पीछे देखते हैं, उसके बाद फिर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को दिल से लाइक बनता है, और रेलवे को इन पे गर्व होना चाहिए, इन लोगों की वजह से भारतीय रेल अपने यात्रियों को सुरक्षा की गारंटी देता है। RPF एंड RPSF ये लोग आपको सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, ताकि कोई अनऑथराइज लोग, कोई बिना टिकट वाले, कोई चोर उचक्के ट्रेन में ना चढ़ जाए। तो सर भी देखो सुरक्षा देते जा रहे हैं, मैं इनको बहुत देर दिख रहा हूँ, ये अप डाउन कर रहे हैं, तो मैं इनको थैंक्स बोलने के लिए, धन्यवाद देने के लिए सर को, जो इतना मेहनत कर रहे हैं, हर स्टेशन पर उतरते हैं और स्टेशन पर देखते हैं। तो आपको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं RPF सर, ऐसे सर को हमारे चैनल की तरफ से एक बड़ा सैल्यूट। आपको तो पता ही है हम ऐसे एम्प्लॉय को कितना तारीफ करते हैं और उनको हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली हीरो हैं। मैं अपने चैनल पे इनको दिखाने के लिए जस्ट ये वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोगों से अनुरोध करूँगा कमेंट करके बताना सर के बारे में, जो इनके बारे में आप क्या सोचते हो, इनका कितना, आपने देखा होगा स्टेशन पे कितने सारे लोगों की इन्होंने जान बचाई है।
तो चेयर अप बनता है इनके लिए, और लेकिन इनको कोई जानता नहीं, जब वीडियो वगैरह में आते हैं तभी आप लोग जान पाते हो, लेकिन मैं रियल में अभी फील कर रहा हूँ इनका ड्यूटी जो ये अप डाउन कितना कर रहे हैं, सोचा आपको भी बता दूँ। कैसे अपना ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं सर जी, तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, चैनल पे आ ही गए हो तो कर लो सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।